तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन पर 16 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें किसानों की समस्या पर विचार कर समाधान किए जाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बहरवाल सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने किसानों को निःशुल्क ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने तथा बिजली का बिल भी निर्धारित करने की मांग की। किसानों ने ज्ञापन में लिखा है कि बुंदेलखंड कई साल से दैवीय आपदा का शिकार हो रहा है, साथ ही किसानों को दी जाने वाली सम्मान राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाए, साथ ही कर्ज होने पर उन पर कोई मुकदमा ना चलाया जाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों की सभी फसलों का एक निर्धारित मूल्य तय किए जाने तथा गन्ना की बकाया राशि का भुगतान किए जाने तथा किसानों के परिवार के लिए नौकरी व रोजगार की व्यवस्था की भी मांग की है। इस मौके पर शत्रुघ्न सिंह, मंगल सिंह, राम कुमार, लाखन सिंह, पवन कुमार, मान सिंह सेंगर, कृष्ण पाल सिंह, कृष्ण बहादुर समेत तमाम किसान उपस्थित रहे। किस विषय में ज्ञापन दिया? ये सब बिजली विभाग की लापरवाही। हाँ, एक हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ज्ञापन आया है जी। और अभी किसान यूनियन वालों ने ज्ञापन दिया है, इसमें इन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है और मैंने अभी उनके जेई से बात कर ली है और बता रहे हैं कुछ एस्टीमेट बना रहे हैं वो और कार्रवाई कराने के हमने प्रभावी निर्देश दिए। जालौन से दीपू तिवारी की रिपोर्ट।